अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, अपने घर में और खैरियत से होंगे और सर्दियाँ भी इंजॉय कर रही होंगे जो कि नहीं आई हुई। काफ़ी जगह ठंड हो गई है, काफ़ी जगह नॉर्मल है मौसम, बस कराची वाले इसी में खुश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब बारिशें आने लग जाती हैं ना, जब बारिशें ज़्यादा होने लग जाती हैं तब भी हम परेशान हो जाते हैं कि कब बंद होगी, अब सर्दी आ जाएगी कब ख़त्म होगी, गर्मी आ जाएगी तब भी ख़त्म होगी। तो हम लोग जो है ना शुक्र हैं और अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर ऐसी फितरत डाली है कि वो किसी भी हाल में और किसी भी जो है ना चीज में खुश नहीं रह सकता, वो हमेशा जो है ना इसका नेमल बदल जो है ना मांगता ही रहता है, यानी कि चेंजिंग्स मांगता रहता है। तो ठीक है, आज बहुत उसके बाद दूसरा आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, उसे ग्रो करने में मदद दे रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का दिल भी करता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह आप सब लोगों का। और आज की रेमेडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, सबके लिए इसलिए कि चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, औरतें हों, मर्द हों, क्योंकि आजकल का जो माहौल और आजकल की जो गजाएं बच्चे ले रहे हैं ना, उससे ये इन पे इनकी जिस्मानी लिहाज पे ना बहुत ज्यादा, यानी जिस्मानी तौर पे भी इनके बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। क्योंकि अब वो चीज़ों में खालिस पर नहीं रहा। अगर दूध की ही बात ली जाए, दूध कहीं भी, अब दूध में जब परसों लेने के लिए गई अयान के पापा के साथ, तो कहीं रेट लगे हुए थे 120 रुपए किलो, कहीं रेट थे 200 रुपए किलो, कहीं रेट था 160 रुपए किलो। तो अब समझ नहीं आ रही थी कौन सा दूध जो है ना प्योर है और कौन सा हम अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो इसका भी कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी प्योर जो है ना, वो बड़े बड़े डैग उन्होंने लगाए होते हैं, स्पीकर लगाए हुए होते हैं और हर जगह ये ऐलान भी हो रहा था, कोई जो साबित कर देगा उसे 10,000 इनाम। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग जो साबित करें इस चीज़ को कि कौन सा दूध प्योर है या नहीं है। क्योंकि जब बच्चों को प्रॉपर वे में एक गजा उनको अच्छी तरीके से नहीं मिल रही होगी, और आजकल के बच्चे वैसे भी बड़े नखरे वाले बच्चे हैं, हम जो अपने टाइम में थे ना बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज भी कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी महंगाई भी नहीं थी और हर एक चीज़ जो है ना अब आसानी मिल जाती थी। अब बच्चे जो है महंगाई के साथ साथ आजकल डिमांडिंग बच्चे हो गए। अब जो नगेट्स हमने अपने टाइम में नहीं सुने, नगेट्स क्या होते थे, आजकल बच्चों को नगेट्स चाहिए, आजकल बच्चों को जो है ना पैनकेक चाहिए, आजकल बच्चों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उनकी सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन उनको एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि हमें ये चीज़ें खाएंगे तो हमारा जो है ना बैलेंस चल पाएंगे, हमने स्कूल ये लंच में ये चीज़ें लेके जाना है। इन सब बातों का कहने का असल मतलब ये है कि बच्चे प्रॉपर वे में जो बच्चों को एक मुतवाजन ग़िज़ा जो होती खानी चाहिए वो नहीं खाते, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके साइड सबसे बड़ा जो सबसे पहले नंबर पर साइड इफेक्ट ये होता है उनके कलर डल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वे में वो एक डाइट फूड अच्छी नहीं ले रहे होते, प्रॉपर वे में पानी अच्छा नहीं पी रहे होते जितना पानी उन्होंने पीना चाहिए, फ्रेश जूस नहीं ले रहे होते, वो जिस तरीके से स्किन पे इनके यानी कि इफेक्ट आ रहे होते उसी तरीके से बालों पे भी इफेक्ट आते हैं। बालों में ये होता है कि इनके बालों में जो ना सफेदी जल्दी आना शुरू हो जाती है, ये 35 या 40 या 45 ये एक ऐसी एज लिमिट होती है जिसमें बालों में सफेदी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आजकल की बच्चियों में क्या खवातीन में भी ये चीज़ें ज़्यादा असर हो रही हैं। और अगर टीन एज बच्चियों की बात करूँ तो उनमें मैंने काफ़ी देखी हैं, काफ़ी ये देखी हैं। अयान का मैंने जब बाल एक उसके शैम्पू वगैरह वो करके आया तो मैंने उसके बालों में जब गौर किया तो उसके बालों में 4-5 जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे। तो इसका असर हम अक्सर ये होता है, अक्सर क्या सब बहुत सब घरों में ये चीज़ें होती होगी कि बाल एक आध सफ़ेद आया तो उसको जो तोड़ के फेंक दिया, लेकिन ये गलती करते हैं, हम बालों को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं बालों को कि जब एक बाल हम उसे जड़ से रिमूव कर देते हैं उसकी जगह पे बहुत सारे बाल हमारे सर में निकल आते हैं जो बेहतर नहीं है। तो इसका इलाज आज उसका ट्रीटमेंट आप लोगों से शेयर करूंगी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अमेजिंग इसकी रेमेडी है, जिस तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी। बहुत ही नेचुरल चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे, कलवंजी जो हर एक घर में मौजूद होती है, हर एक के खाने में ऐड होती है। अब ऐसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप अपने खाने में जो सालन हम बनाते हैं उसमें 4 से 5 दाने ऐड कर लिया करें, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद जब हम तो दूसरा इसमें अज्जा शामिल कर रहे हैं, इसमें हम शामिल कर रहे हैं मेहंदी पाउडर। आप लोग कोशिश कीजिएगा खुला ले लीजिएगा, क्योंकि केमिकल से फ्री होता है वो। अगर आप पैकेट वाला लेंगे तो उसमें केमिकल ऐड होता है, यानी कि बाल जल्दी रंगदार हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश आपने करनी है कि आप लोग इसमें खुला मेहंदी पाउडर ले देना है आपने। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग स्क्रीन में शो रही हर एक वीडियो पूरी, इसमें अज्जा का हिसाब बनाने का तरीका और किस तरीके से ये बन रही है और लगाने का भी तरीका मैं आपको बताती चलूँ कि लगाना किस तरीके से, वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। हर एक चीज़ बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है वीडियो देखने के लिए, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूंगी वीडियो वॉच करते हुए कम से कम एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें
और उसी के साइड में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, वो प्रेस कर दिया करें, और उसी के बराबर में थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, एक कदम आगे की तरफ जाएंगे तो वो बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करें। ठीक है, पूरी वीडियो वॉच करें आप लोग, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी। वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पसंद भी करेंगे, इसे लाइक भी करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में से, और वीडियो कोशिश कीजिए किया करें आप लोग पूरी वॉच किया करें, क्योंकि माइक जो है ना वो आवाज़ बहुत कम दिया था, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ लिया था, चलो आप लोगों को प्रॉपर वे में आवाज़ तो आए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो पूरी स्किप किए बगैर, ये नहीं कि ऐड चले और आप लोग थोड़ा सा बस अस्सलाम वालेकुम के बाद भी आप लोग वीडियो जो है ना वॉच करना छोड़ देते हैं। तो कोशिश आप लोगों ने करनी है कि वीडियो पूरी वॉच करनी है, इसे शेयर भी करना है, क्योंकि ये मसला ऐसा था ना, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी हमारी बहन है वो मुल्तान साइड रहती हैं, तो उनका ये मसला था और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये रेमेडी हम बना के दिखाएं, इसके बारे में बताएं। और क्योंकि असल मसला जो होता है ना, किसी को अच्छा ये जो मसला होता है ना सफ़ेद बालों का, किसी को ये मौरसी भी होता है, यानी कि जेनेटिक मसला भी होता है कि उनके खानदान से खानदान दर खानदान ये चल रहा आ रहा होता है, लेकिन ये रेमेडी ऐसी है, चाहे वो मौरसी बीमारी हो, चाहे वो एलर्जिक हो, चाहे वो कोई भी मसला हो ऐसा, लेकिन इससे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप लोग मुझे खुद अपनी स्क्रीन शॉट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना मुझे सेंड करेंगे कि हमारे बालों में हमने ये अप्लाई किया था और ये रिजल्ट आया है। देखिए, कोई भी रेमेडी है, कोई भी स्किन की हो या बालों की हो या बॉडी के लिहाज से कोई भी रेमेडी हो, वो थोड़ा सा टाइम लेती है असर दिखाने में। अगर आप लोग ये कहें कि जादू का प्याला आप पिला दें बना के हमें, हम फौरन जो खूबसूरत हो जाएं, हमारे फौरन बाल हमारे जो है ना लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, वॉल्यूम वाइज हो जाएं, तो ये नामुमकिन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों में थोड़ा सा टाइम इंसान को लगता है कि उसके रिजल्ट आने में, लेकिन आप लोगों ने तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन रेमेडी का भी असर दिखाई देगा आपको। ठीक है, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप गला भी थक रहा है, गला इसलिए थक रहा है कि पानी नहीं पिया वीडियो बनाने से पहले, तो अब पानी पियूंगी जाकर, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।